सारी सृष्टि का भार मैं उठाता हूँ और तुम मुझे उठाने का प्रयास कर रहे हो कागासुर। तुम्हारे साहस की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। नल्ला के पालने पे दृष्टि रखियो। पालना बचाओ तब तो दृष्टि रखूं। लगता है अपने पंजों की धार बढ़ानी पड़ेगी मुझे। महाराज, आपने मुझे कहाँ भेज दिया? महाराज, गोकुल में जिस महाबली ने जन्म लिया है वो असुरों के लिए साक्षात यमराज है। महाराज, उठ। कर लो बात, कहीं माँ को मेरी शक्तियों के बारे में पता तो नहीं चल गया। क्या बड़बड़ा रहे हो? स्पष्ट बोल। नीलमणि ने फेंक दियो ताई जी। कौवा उड़ गयो और पालना टूट गयो। क्या? अब तक तो उज्जवल ने मैया को सब बता दिया होगा। मैया आने वाली होंगी पर वो इस पालने को ऐसे देखेंगी तो। जानवर को तो तूने मेरे प्राण ही निकाल दिए थे। किंतु तुझे पालने की दिशा किसने बदली? हाँ, जे तो सीधा रखा था ना? हाँ, जे टेढ़ा किसने कियो? बड़ा उपद्रव मचा के रखो है तूने। चल, तुझे घर छोड़ के आऊँ। आज बुरा फंसा ये। सबका अर्थ है दादी के हृदय का टुकड़ा हो तो है पोता, पर आपको तो कुछ पड़ो ही ना। ऐसे कैसे कोई बच्चे को भूल कर आतो है? जीप तो देखो इसकी कैसे कचर कचर चल रही है। बालक तेरो है कि मेरो? मेरो है, पर आपका पोता ना है। ध्यान देने के नाम पर आप तो दायित्व से। वो ये, अरे एक दूसरे को दोष देने से भूल सुधर ना जाएगी। आप दोनों मान क्यों ना लेते कि भूल दोनों ने की? आप दोनों को ही ध्यान ना रहो कि इसे आप इधर ही भूल गए हो। हाँ जसोदा, भूल तो हो गई है। जीजी क्षमा कर दियो। अरे मुझसे क्षमा मांगने से क्या होगा? हाँ क्षमा तो मांगनी होगी। अरे इसने इतनी शैतानी की है, इतनी शैतानी की है, पूरी रसोई अस्त व्यस्त कर दियो। पूरा पालना हिला के इधर से उधर कर दो। नाना मैंने ना करो ये सब। मैं सच्ची कह रहा हूँ, जिस कौए को भोजन खिलाया था उसी ने करो ये सब। लो सुन लो। फिर बड़ी बड़ी हाँकने लगो, कच्छू मत ही बोल।
और डांट पड़ेगी तुझे। अरे बात तो सुन ले उसकी। हाँ लल्ला बोल। मैं सच्ची कह रहा हूँ अम्मा, अपनी आंखों से देखो है मैंने, वो कौवा बनकर आयो था और फिर राक्षस बनकर पूरा सामान गिराने लगा। ये बड़बोला स्वयं ही फंसेगा और मुझे भी फंसवाएगा। फिर भयभीत हुआ तू? जीजी आप भी क्यों इसे? ना ना मैं भयभीत नहीं हुआ, मैंने उसे रोक दियो। मैंने कही इतने सारे बर्तन गिरा दिए तूने, इतना साहस तेरा, और वो घबरा कर रुक गए हो। और फिर आप भीतर आ गई ताई जी और वो कौवा बनकर उड़ गए हो। क्यों ऐसे कथा बनाते हो लल्ला? तभी तो सब तुझे महाबड़बोला बुलाते हैं। विश्वास करो मैया, मैं महाबड़बोला नहीं हूँ, वो नीलमणि महाबली है। हैं? हाँ ताई जी, जब रसोई घर से निकलकर उस कौवे ने नीलमणि पर आक्रमण करो तो जो हमारे महाबली ने जो उसको आसमान में फेंको है, सीधे द्वार के पास मथुरा पहुंच गए होगो। सच्ची कह रहा हूँ। एक तो इसे भूल गई, उस पर से हंस रही हैं दोनों, हैं? सुमति, संतान का मूल्य जानती है? हाँ? एक संतान को पाने के लिए मैया कितनी जतन करती है, पता है तुझे? जेकांत बरसों तरसते हैं मैया स्वर सुनने के लिए, तब जाके जे सौभाग्य मिलतो है। और संकरी मौसी आप तो जानती हो ना संतान का महत्व, फिर भी भूल गई इसे? ऐसे पालन पोषण करते हैं क्या अपने बालक का? अच्छा अब ध्यान रखना। हाँ प्रणाम पंडित जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण पंडित जी। मैं सोच ही रही थी जन्म नक्षत्र उत्सव का मुहूर्त पूछने के लिए आपको बुलावा भिजवा दूं। मैं उसी के लिए आया हूँ रानी जी। अच्छा जसोदा हम चलते हैं। क्या जय आपका सुपुत्र? वाह रे मैया। उठ 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 देखो मूर्ख, जाने से पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अयोग्य कहीं का। महाराज ने अपने शत्रु को मारने के लिए जिस असुर को भेजा था वो उनके दरबार में आकर गिरा है, बहुत घायल है बेचारा। स्वामी स्वामी हमारे देवकी धीरे बोलो। हमारे पुत्र ने कागसुर को हरा दिया स्वामी। मैंने पहले ही कहा था देवकी, उसे कुछ नहीं होगा। आपने सही कहा था स्वामी, मुझे आप पर और भगवान श्री नारायण पर विश्वास रखना चाहिए था। माता पिता की गुप्तचरी करना इतना आसान नहीं है। वो कंस चाहे कुछ भी कर ले परंतु कह रही थी स्वामी की कंस चाहे कुछ भी क्यों ना करे परंतु वो है तो मेरे भैया ही ना।
वो हमारे बारे में अवश्य ही सोचेंगे। आज नहीं तो कल वो अपनी प्रिय बहन को हृदय से लगा ही लेंगे। सही कह रही हो प्रिय। आपकी आशंका सही थी महाराज, कोई तो है यहाँ पर, कहीं वो मायावी विष्णु तो नहीं? उत्कच, तुम कितने वर्षों से दिखाई ही नहीं दिए। वायु का तन है, दिखना कठिन है, कहीं आने जाने के लिए किसी जड़ या चेतन वस्तु का सहारा लेना पड़ता है महाराज। लगता है मैं यहाँ सही समय पर पहुंचा हूं। बहुत कुछ हो रहा है महाराज यहाँ। क्या क्या कहना चाहते हो? संसार में जो आपको सबसे अधिक प्रिय थी, आपकी बहन आपके ही महल में बंदी है। मायावी कगासुर दरबार में बेहोश पड़ा है और गोकुल का वो बालक आपका शत्रु आज भी जीवित है। अरे चिका करो लल्ला, इससे खेलने में समय है तुझे अभी। पंडित जी जी गणना के अनुसार जन्म नक्षत्र के पूजा उत्सव के लिए कल का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, तो आवश्यक वस्तुओं की सूची बना देता हूँ। कल का मुहूर्त? नाना पंडित जी, कल तो बहुत शीघ्र हो जाएगा, उत्सव तो बड़ा होना चाहिए ना, इतनी सारी तैयारी करनी है, कल तक तो ना हो पाएगी। आप तो ना दो चार दिन बाद का मुहूर्त निकाल। पंडित जी, यदि कल का मुहूर्त शुभ है तो हम ये पूजा कल ही करेंगे। हर कार्य को बड़ा करना आवश्यक थोड़ी ना, निकट के मित्र संबंधियों के साथ कर लेंगे। किंतु पंडित जी, आप सूची बना दीजिए, कल सारी तैयारी हो जाएगी। तैयारी के साथ ही आते हो, पूरी जांच पड़ताल के बाद सारी सूचना इकट्ठी करके। उत्कच, तुम्हारी ये बात हमको बहुत अच्छी लगती है, पर आपको ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा महाराज कि आपकी बहन और आपका बहनोई आपसे कुछ छुपा रहे हैं। उस विषय में चिंता मत करो, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे भीतर गोकुल जाके नंद के उस दुष्ट शिशु पे प्राण लेने का सामर्थ्य है भी या नहीं। वो कोई साधारण शिशु नहीं है। चुप मूर्ख, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने में मेरा क्या लाभ महाराज। अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने में मेरा क्या लाभ महाराज। इतना दुस्साहस, ये मत भूलो कि तुम अपने महाराज से बात कर रहे हो। सदैव ही लेन देन का व्यापार करते आए हो, उचित है। बताओ क्या चाहिए। अधिक कुछ नहीं महाराज, बस एक रथ, ताकि मुझे कहीं आने जाने में समस्या ना हो। एक सेवक, ताकि मुझे कोई श्रम ना करना पड़े। एक अच्छा सा घर, जिसमें मैं बिना किसी व्यवधान के
शांति से निवास कर सकूं। बस मैं तुम्हें घर नहीं भव्य महल दूंगा। सेवक सेविकाओं की सेना तुम्हारे आगे पीछे नृत्य करेंगी और यात्रा के लिए होंगे एक से बढ़कर एक उत्तम घोड़ों से सुसज्जित रथ। तो बस महाराज समझ लीजिए आपका कार्य हो गया। उतना सूक्ष्म बुद्धि मैं और अब तुम उस विष्णु अवतार का सामना करना आसान नहीं है उत्कच। पराजय बहुत कुछ सिखाती है और ये मूर्ख उचित कह रहा है। ये भूल रहा है महाराज कि मैं अन्य किसी की तरह नहीं हूं कि कोई हाथ बढ़ाए और मुझे पकड़ पाए। आप स्वयं विचार कीजिए आपका शत्रु जिसे देख नहीं पाएगा उसे हानि कैसे पहुंचाएगा। मेरे उपहारों का प्रबंध करना आरंभ कर दीजिए महाराज। अब मैं उन्हें तभी लेने आऊंगा महाराज जब शिशु के रूप में आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो चुकी होगी। यशोदा पूजा के लिए रोली मोली तो है ना घर पे? आपको ही पता होगा। और धूप बत्ती वो तो होगी ना? आपको ही पता होगा। भोग के लिए प्रसाद वो तो बन जाएगा घर पे? आपको ही पता होगा। यशोदा क्या कर रही हो? सहायता ना करोगी? आपने ही तो कही थी पंडित जी को कल तक सारी तैयारी हो जाएगी तो कर लो। आप मुझे क्यों बोल रहे हो? वैसे रूठी हुई भी बहुत अच्छी लग रही हो तुम। रूठी कहाँ हूँ, कली की व्यवस्था कर रही हूँ। कोई नई पोशाक दिखाई ना दे रही, कल क्या पहनाऊंगी इसे? पंडित जी थे सामने इसीलिए तर्क वितर्क ना करो। मैंने सुनो जी, मैं कह देती हूँ अपने लल्ला का जन नक्षत्र उत्सव बड़े धूमधाम से मनाऊंगी मैं। हाँ नहीं तो यशोदा उत्सव से भी अधिक महत्वपूर्ण है पूजा। पूजा हमारे लल्ला के हित के लिए कर रहे हैं ना, कुछ निकट के मित्र संबंधियों के साथ कर लेंगे बस। कैसे कैसे करेंगे आप? जे मोर मुकुट के अतिरिक्त कुछ भी नया ना है लल्ला के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अपने हाथों से बना है मैंने। तो बस और क्या चाहिए? अब फंस गए बाबा। ये क्या करो आपने? एक मोर पंख भी ना संभाला जा रहा है आपसे, आप लल्ला को क्या संभालोगे? एक मोर पंख के लिए इतना क्रोध? अब आप सब छोड़ो और जाओ, अभी नया मोर पंख लेके आओ मेरे लल्ला के लिए, और वो भी वो मोर पंख जो अभी अभी मोर ने गिराया हो। अब आप देख क्या रहे हो, जाओ ना अभी। हाँ अभी, टूटा हुआ मोर मुकुट थोड़े ना पहने को मेरा लल्ला अपने उत्सव पर। पहले पूजा की सामग्री का प्रबंध कर लूं, ये पूजा की सूची अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण? कहना क्या चाहते हो आप? मेरे नीलमणि के मुकुट का पंख महत्वपूर्ण ना है? यशोदा इतने कम समय में बिल्कुल नए मोर पंख का प्रबंध मैं कहां से करूंगा? कहां से क्या, आप सीधे बन जाओ, वहां कोई ना कोई मोर नाच ही रहे होंगे, एक आधा नया मोर पंख अवश्य मिल जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं एक मोर पंख के लिए पूरा बन छान मारू? और नहीं तो क्या, पुरानी रीत है जी, प्यासा ही कुएं के पास जातो है, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता। आप दोनों फिर से झगड़ा मत करने लगना बाबा, संभालो ना। अच्छा अच्छा मैं चला जाऊं।
पर पहले पूजा की तैयारी तो कर लूं। वो सब मैं ना जानती, मुझे कल उत्सव के पहले नया मोरपंख चाहिए। कल कोई एक नई वस्तु तो हो मेरे लल्ला के पास। ये समझ ना रही, नीलमणि की सुरक्षा के लिए उत्सव आवश्यक ना है, जन्म नक्षत्र की पूजा है, क्योंकि पूतना की घटना के बाद से हमारे लल्ला पर कंस की भी दृष्टि होगी। हे नारायण, रक्षा करियो। लगता है मक्खी थक गई है, कोई और साधन ढूंढना पड़ेगा। मेरा सकट, परंतु कंस काका, ये फूल नंदलाला के लिए? जी बेटिया। तो लाओ ये मुझे दे दो, मैं नंदलाला के घर जा रही। जहाँ इच्छा विकट होती है वहाँ झट से मार्ग मिल जाता है। बड़ी शीघ्रता है शक्तासुर। नन्ना जी देख मुझे क्या मिलो। बाबा जो तेरे लिए मोरपंख लाएंगे ना, उसके साथ जो पोशाक कितनी सुंदर लगेगी, है ना नन्ना? मुझे पता है तुझे भी अच्छी पोशाक चाहिए, है ना? कितना समझाओ मैंने तेरे बाबा को, किंतु तेरे बाबा है कि बड़ा उत्सव करने को तैयार ही ना है। अब जितने भी अतिथि आएंगे कम से कम उनके सामने तो मेरा लल्ला अच्छा दिखे, उन सबसे अच्छा मेरा राजकुमार। अतिथि ऐसा भी है मैया जो बिना बुलाए ही आने का प्रयास कर रहा है, पर इतनी शीघ्र नहीं आने दूंगा मैं उसे। क्या है मेरे लल्ला के हाथ पर? पलक है। अब जो चाहिए उसकी प्रार्थना कर और फूंक मार के उड़ा दे। रुक जा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। तेरे बाबा को अपने लल्ला के मुकुट के लिए सुंदर सा मोरपंख मिल जाए। अपने मुंह में हवा भर, देख ऐसे, और फूंक मार के उड़ा दे। फूंक मारना लल्ला,
कभी तो अपनी मैया की कहीं मान ले, मारते फूक। बस इतनी सी बात मैया, अभी लो। कहाँ चली गई वो कन्या? लगता है कहीं आसपास ही है नंद का घर। भाभी जी कहाँ रखना है? जा उधर रख दे। हाँ। ला दो। क्या? लल्ला के लिए नया मोर पंख और क्या? यशोदा समय ही ना मिलो, बस कुछ वस्तुएं और शेष है वो ले आऊं, फिर उसके बाद चला जाऊंगा। सच्ची संध्या हो जाएगी, सूरज ढल जाएगा, तब जाओगे क्या आप? यशोदा बस कुछ काम और है वो कर लेने दो, फिर चला जाऊंगा। देख रहे हो ना लल्ला, देख रहे हो तू अपने बाबा को? किंतु मैं भी अपने हट की पक्की हूं, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना जानती है तेरी मैया। बाबा सावधान, मैया की योजना भारी पड़ेगी आप पर। जानकी। हाँ भाभी। सुन लड्डू बांध पोटली में जा। हाँ, मैं भी ओढ़नी और चटाई निकालती हूँ। आपको तो कितने सारे आवश्यक कार्य है ना, मैं ही चली जाती हूँ। यशोदा। और हाँ, अपने लल्ला को साथ लेकर जाऊंगी। यशोदा जी तुम क्या कह रही हो? यशोदा तुम लल्ला को लेकर बन जाओगी? और नहीं तो क्या, मेरा लल्ला टूटे मोर पंख का मुकुट ना पहने को जी, मैं तो जाऊंगी। यशोदा नीनमणि अब तू ही संभाल, मैं तो चली। और जो लड्डू चटाई ओढ़नी ये सब क्या है? तो आपको क्या लगता है मैं भूमि पे बैठूंगी वन में, या फिर जब तक मोर पंख ना मिलेगो भूखे रहूंगी? यशोदा तुम नीलमणि को लेकर बन बन भटकोगी। अच्छा जी, तो बस नीलमणि की चिंता है आपको, मेरी ना है। इससे पहले कि फिर से झगड़ा आरंभ हो मुझे ही कुछ करना होगा। दोनों की चिंता है इसीलिए तो जाने से रोक रहा हूं। जाना तो पड़ेगा, चाहे मैं जाऊं या आप जाओ। मैंने कही ना प्यासा ही चल के कुएं के पास जाता है, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता। तब तो ऐसा ही होगा मैया। तो तुम ही बताओ कैसे तुम्हें और लल्ला को मैं वन में अकेले जाने दूं? हाँ तो ठीक है, इतनी चिंता है तो चलो हमारे साथ। यशोदा मेरी बात तो। नीलमणि देखा है सोता।
आज कुआ स्वयं प्यासे के पास चलकर आयो। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संसार के सारे मोर हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आतुर हो। अवश्य ही कछु बहुत विशेष है हमारे लल्ला में। ये तो जो आप आलस कर रहे थे ना वन जाने के लिए, इसी कारण से नारायण ने सहायता की है हमारी। और कुछ भी उल्टा सीधा बोल के दृष्टि मत लगाओ, हमारा लल्ला कोई विशेष ना है, ये तो सामान्य सा प्यारा सा लल्ला है मेरा। ये घर है या वन? अभी तक तो गोकुल का एक ही चक्कर काटा है उत्कच, पूरी रात चक्कर लगाते रह जाओगे, पर ना मेरा घर मिलेगा तुम्हें और ना ही मैं। तैयारी ना करनी आपको, हाँ तो जाओ अपने सारे कार्य निपटाओ, मुझे मेरे लल्ला के मुकुट के लिए मोरपंख मिल गए। क्यों लल्ला, अच्छे लगे? यहाँ मैया जितनी प्रसन्न है, बाहर वो बिन बुलाया आती थी उतना ही दुखी है। तीन प्रहर व्यर्थ हो गए, न जाने कब मिलेगा नंद का घर। अब अगले चार पहर तक मैं आपके ही दर्शन करूंगा प्रभु। सारी तैयारी हो गई लल्ला, तेरा नया मुकुट भी बन गया, अब मैं चैन से सोऊंगी और तू भी पूरी रात अच्छे से सोना, समझ आई? चल सो जा। क्या हुआ, नींद ना आ रही? सो जा लल्ला, नहीं तो सुबह बहुत थका थका लगेगा तू। क्षमा करना मैया, उस अनचाहे अतिथि को पूरी रात भीतर आने से रोकना है मुझे। ना मैं सर क्यों हिला रहा हूँ? मैया की कही मान और आंखें बंद करके सो जा, तभी तो आएगी निद्रा देवी। प्रभु, मैया की आज्ञा मान लीजिए ना। निद्रा देवी? प्रभु, प्रतिदिन मैं इसी आशा में आती हूँ कि आप मुझे स्वयं में लीन होने देंगे और सच में सो जाएंगे, पर प्रतिदिन मुझे निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। प्रभु, आपने तो सबको कुछ ना कुछ दिया है,
मुझे स्वयं में लीन होने का सौभाग्य कब देंगे? आज रात ये संभव नहीं है निद्रा देवी, पर मैं वचन देता हूँ कल रात में आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। ऐसे क्या देख रहा है रे टुकुर टुकुर, जैसे किसी से बातें कर रहा हो? सो भी जा लल्ला, कितना सताएगा अपनी मैया को? मुझे पता है मैया, जब तक मैं सोने का स्वांग नहीं करूंगा आप भी नहीं सोएंगी। मेरा प्यारा लल्ला, मैं निंद्रा देवी की दशा समझ सकता हूँ प्रभु। अमावस्या की रात जब मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव करता हूँ प्रभु। अरे चंद्रदेव, अति उत्साह में आप अभी से कोई संकेत मत दे देना शक्टासुर उत्कच को, अभी तो उसे कुछ चक्कर और लगाने हैं गोकुल के। चंद्रदेव, आपका समय पूरा हुआ, अब मेरी बारी है। चंद्रदेव तो प्रभु दर्शन में खोए हुए हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। पिछले 7 प्रहर से लगभग 7 चक्कर लगा चुका हूँ गोकुल के। कहाँ है वो बालक और उसका घर? कैसे मिलेगा कोई संकेत? अब इसे संकेत देने का समय आ गया है। देख रहे लल्ला, कितना सुंदर दिन है। हाँ मैया, बहुत अच्छा दिन है आज। अब देख कैसे तेरा काल बनकर तेरे घर में प्रवेश करूंगा, और वो भी बिना बुलाए। बड़ा आनंद आएगा जब नंद भवन की प्रसन्नता दुख में बदल जाएगी, जब हर्ष उल्लास के इन स्वरों के स्थान पर चित्कारें गूंजेंगी। बड़ा आनंद आएगा। यशोदा, मैंने कही थी ना बड़ा उत्सव ना करेंगे, फिर भी तुमने सभी को बुला लिया। सभी को कहा? केवल निकट के मित्र संबंधी और अपनी सहेलियों को ही तो बुलाओ है। केवल निकट संबंधियों को? ये तो पूरा का पूरा गांव आया है। तनिक निकट से देखता हूँ, पता तो चले इस बालक में ऐसा विशेष क्या है जो इसके प्राण लेने के लिए मुझे आना पड़ा। इतनी भी शीघ्रता क्या है उत्कच?
प्राण देने में भी धैर्य नहीं है। कहा था शकट से तुम्हारा बहुत गहरा नाता जुड़ने वाला है। शकटा सुरुत कच। सुनो जी, उत्सव आरंभ होने को है, सब अतिथि आ गए। ये दोनों इतना सारा सामान लेके भीतर कहाँ चले आ रहे हैं? भोला बंसी, गाड़ी पीछे की ओर लेकर जाओ, अभी इनको उतारने का समय ना है। किसे संभालो। तुम कहाँ जा रही हो? पंडित जी के आने के समय हो गए। रोहिणी जी को तो बुला लो। आई आज तुम्हारे छोटे भाई की जन्म नक्षत्र पूजा और उत्सव है, किंतु मुझे क्षमा करना पुत्र, चाहते हुए भी तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पिताजी ने यह आदेश दिया था कि मैं तुम्हें सारे जग से छुपा कर रखूं, किंतु आज तुम्हारे जन्म के बाद इतना समय बीत गया है और तुम अब तक। मैं ये नहीं जानती पुत्र, तुम्हारे अस्तित्व की घोषणा करना, तुम्हें सबके सामने लाना उचित होगा या नहीं, किंतु मैं अवश्य जानती हूं कि तुम्हें इस घर के भीतर यूं बंद करके रखना मेरे हृदय को चीर देता है। जब भी तुम्हें छोड़कर कहीं चली जाती हूं, मेरे भीतर दुख की एक बड़ी सी लहर उठती है और मेरा हृदय उस लहर में डूब जाता है। पुत्र, मुझे क्षमा कर देना, अब तो बस नारायण से एक ही प्रार्थना है, शीघ्र ही ये सब कुछ ठीक हो जाए।